बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जिंदगी में हार क्यों नहीं माननी चाहिए, और मैंने उसका सिर्फ एक ही आंसर दिया। आप भी सुनना चाहेंगे क्या? तो चलिए बताती हूँ आपको भी। एक बहुत ही गरीब लड़का था, उतना गरीब परिवार था कि उस परिवार में काम करने के लिए उसे ही खेतों पर जाना पड़ता था। वो बचपन से अंधा था। एक बार जब वो अपने पिता का हाथ बटा रहा था खेतों में, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके पिता को लगा कि उसका बेटा खेतों में काम करने के लिए नहीं बना है, इसलिए उसने उसको पढ़ाने का सोचा। अंधे बच्चे को पढ़ाना, वो भी उस स्कूल में जहां पर अंधे बच्चे को लिया ही नहीं जाता था, और ऐसे गांव में जहां पर अंधे बच्चे के लिए तो क्या नॉर्मल बच्चे के लिए भी स्कूल नहीं थे। तब इतनी मुश्किलों में भी उसने पढ़ने का सोचा, और उसके पिताजी ने इस बात को आगे बढ़ाया, और अंधे बच्चे को पढ़ाना आसान बात नहीं थी। वो स्कूल में आम बच्चों की तरह पढ़ने लगा, जब तक उसने 10th में 90% से ज्यादा अंक हासिल कर लिए थे। अब बात आती है 12th में क्या ले, जैसे कि सभी बच्चों में रहता है कि साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है, कॉमर्स लेनी है। तो 10th में उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए, उसके बाद बात आती है 12th की। ठीक है, तो 12th का उसका रिजल्ट भी आना था, सब चीजें आनी थी, उसको टेंशन थी कि मेरे को रिजल्ट भी अच्छा लेके आना है, तो मैं अब 10th के बाद 11th में क्या ऑप्ट करूं। तो उसने साइंस लेने का फैसला किया, जिस पर सब ने उससे कहा कि उसे आर्ट्स लेना चाहिए, और इसके लिए उसने सरकार का विरोध किया, और बाद में सरकार ने कहा कि वो साइंस अपने जोखिम पर ले सकता है, हमें न मतलब नहीं अगर उसके कम मार्क्स आए तो। सबको लगा कि वो बेवकूफी कर रहा है, पर उसने सबका मुंह बंद कर दिया जब उसके 12th में 97% आए। हाँ, 97% मार्क्स इन 12th एग्जाम। ठीक, अब क्या था, 12th भी हो गई। अब उसका फिर से मन हुआ कि अब मुझे क्या करना है। अब वो IIT में पढ़ना चाहता था, पर IIT ने कहकर मना कर दिया कि अंधा बच्चा IIT में दाखिला नहीं ले सकता है। फिर उसने अमेरिका के कॉलेज के लिए तैयारी करी, और उसे बाहर के अच्छे कॉलेजों से निमंत्रण आ गए, जिनमें MIT शामिल था। तो अब वो गया और उसने MIT में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की, और अपनी कंपनी खोली जिसमें जिसमें 100 से अधिक विकलांग लोग हैं। उसको उसकी विकलांगता के कारण कितना कितना खुंडित किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद उसने जो विकलांग लोग थे उन्हीं के लिए कुछ करने की सोची। तो उसमें 100 से अधिक विकलांग लोग हैं उस कंपनी में, और उस कंपनी की जो कीमत है ना आज करोड़ों डॉलर में है। हाँ जी, करोड़ों डॉलर में उसकी कीमत। और आपको सुनकर कुछ समझ आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं जहां आप पहुंच पा रहे हैं। हाँ जी, ये कहानी है श्रीकांत बोल्ला की, जिन्होंने दिखा दिया कि अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। जब तक आदमी खुद से नहीं हार जाता, उसकी हार नहीं होती है। तो हमें हार इसलिए नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब एक अंधा बच्चा कर सकता है, इतनी मुसीबत के बाद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो यही था मेरा एक स्वीट सा आंसर। तो आप लोगों को भी अगर ये आंसर पसंद आया है तो आप लोग शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। किसी ने